कोई आह्वान करूंगी कि शांतता रखिए, अपना इन्वेस्टिगेशन एकदम जारी है, पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी होगा तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी कानून के हिसाब से। देखिए, अभी दो घंटे पहले औरंगाबाद में एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि चंद नौजवानों को शरणापुर फाटे पर पकड़कर उनको मारा गया। अभी दो घंटे पहले शहर में एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि चंद मुस्लिम नौजवानों को शरणापुर फाटे पर पेट्रोल पंप के करीब पकड़कर उन्हें मारा गया और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए उनको मजबूर किया गया। लेकिन जब घाटी अस्पताल मैं, नासिर सिद्दीकी साहब, हाशमी साहब, शुएब साहब और पूरी टीम मजलिस की यहाँ पर पहुँची, हमने हकीकत जानने की कोशिश की तो उन्हीं में से दो मुस्लिम नौजवानों ने ये बात कही कि ऐसी किसी किस्म का कोई नारा लगाने के हमको मजबूर नहीं किया गया। अलबत्ता सामने वाले लड़कों से कुछ झगड़ा हुआ और सामने वाले लड़के जो है तो नशे में धुत थे और वो थोड़ी सी उनकी मारपीट हुई और उस मारपीट को जो है तो कुछ लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश की। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आज यहाँ पर मौजूद है, एसीपी, डीसीपी, तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है और तमाम ने फौरन ही कार्रवाई करते हुए अपनी अपनी टीमें उन लड़कों को पकड़ने के लिए भेज दिए जिन्होंने जो है तो जिन मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट की थी। हमारी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि किसी किस्म की अफवाह पर ध्यान ना दें बल्कि शहर के माहौल को पुरअमन बनाने की पूरी कोशिश करें और तमाम एक दूसरे का साथ देते रहे। हमारे साथ नासिर सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर तमाम नौजवानों को कंट्रोल किया और तमाम नौजवानों ने भी बहुत कॉपरेट किए, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अभी तक कॉपरेट किया और इन्होंने कहा कि दो घंटे के अंदर वो उन लड़कों को वहाँ से गिरफ्तार जरूर करेंगे। देखिए, अभी जैसा हमारे शहर सदर शारिक नजबंदी साहब ने सारी डिटेल बताई है तो मैं इतना ही कहूँगा शहर के लोगों से कि दो तीन दिन के बाद में ईद आने वाली है और कुछ लोग अफवाह फैलाने पर भी तुले हुए हैं, तो मैं आप तमाम से ये अपील करता हूँ कि अफवाह पे ध्यान ना दे। हम देख रहे हैं कि जैसे वहाँ पर झगड़ा हुआ, यकीनन वहाँ झगड़ा हुआ, एक बच्चा ज़ख्मी भी है, उसके अंदर दो बच्चे ज़ख्मी हैं जिनको घाटी अस्पताल में यहाँ पर शरीक किया गया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। वहाँ से पुलिस ने ही उन लोगों को अपने साथ में लेकर आके यहाँ पर एडमिट किया और जब से हम देख रहे हैं लगातार पुलिस की पूरी टीम, डीसीपी मैडम भी यहाँ है, एसीपी साहब भी है, पीआई साहब है, सारा जो स्टाफ है पुलिस का वो लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं रात भर से और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने भी ये गुनाह किया है, ये गलत बात है कि किन बच्चों के ऊपर गुंडागर्दी करके ऐसी इस तरह मारा पीटा जाए। तो हमने पुलिस प्रशासन से यही कहा कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर बड़ी धाराएं लगा के शहर का माहौल खराब करने के लिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।